तो दोस्तों, अगर आप लोग सेम व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि एक ही व्हाट्सएप नंबर को अलग अलग मोबाइल फोन में यूज करना चाहते हैं, तो अब व्हाट्सएप की तरफ से अपडेट निकल करके आ चुका है। अब आप लोग आसानी पूर्वक एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में यूज कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। आपको यह फीचर कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे यह काम करेगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, आप इस फीचर की हेल्प से किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अलग अलग डिवाइस में, मल्टीपल डिवाइस में आप सेम चैटर्स के साथ, यानी कि सेम पर्सन के साथ इस फीचर की हेल्प से चैट भी कर पाएंगे, स्टेटस भी देख पाएंगे। मेरे सामने दो मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और दोनों में मैंने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर रखा है, ठीक है। सिर्फ कंडीशन ये है कि इसमें मैंने लॉगिन कर रखा है और यहाँ पर मैंने लॉग आउट कर रखा है। अब मैं इस व्हाट्सएप अकाउंट को इस डिवाइस में एक्सेस करना चाहता हूँ, सेम व्हाट्सएप अकाउंट को दोनों डिवाइस में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन ले लीजिए और व्हाट्सएप एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद एरो पर क्लिक कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो है अब आपको मोबाइल नंबर इनपुट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। अब आप जिसका व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन में एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप अपना ही दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन में एक्सेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, मेरे सामने मेरा व्हाट्सएप ओपन हो रखा है और सारे चैट लिस्ट आपको दिख रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद लिंक डिवाइसेज पर क्लिक करना है, लिंक के डिवाइस पर क्लिक करके यूज मोबाइल डाटा पर क्लिक करके और अनलॉक कर लेना है। अब आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, ठीक है ना। देखिए मैं स्कैन करता हूँ, ये स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और लॉगिन भी कुछ सेकंड में हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि इस मोबाइल फ़ोन का सारा व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। अब बैक कीजिए। अब आप देखिए दोनों मोबाइल फ़ोन में सेम व्हाट्सएप अकाउंट दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर भी चैट, ऊपर में वहाँ पर भी चैट, और तीन मैसेज आया हुआ है तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा और इस मोबाइल फ़ोन में भी आपको दिखेगा। और जो सबसे ऊपर जिनका नाम है इस मोबाइल फ़ोन में भी, उनका नाम सबसे ऊपर ही दिखेगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ दिखेगा। इतना ही नहीं, आप किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं दोनों डिवाइस से, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओके मैं टाइप करता हूँ तो मैसेज यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज यहाँ पर भी जा रहा है। आप इस डिवाइस पे सेंड कर सकते हैं, इस डिवाइस से भी ओके कीजिए, यहाँ से भी मैसेज आप सेंड कर सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं। मतलब कि आप अलग अलग डिवाइस से किसी भी पर्सन के साथ चैट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा, और इस डिवाइस में भी आप स्टेटस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर भी आपको स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। आप स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस देख भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्टेटस दिख जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छी बात, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है अलग अलग डिवाइस में तो एक्सेस हो रहा है, लेकिन क्या सेम नंबर से हो रहा है, तो आप थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसी तरीके से आप थ्री डॉट पर इस डिवाइस में भी क्लिक कीजिएगा, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, तो देखिए दोनों में आपको सेम नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे कन्फर्म हो जाएंगे आप कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है सेम व्हाट्सएप अकाउंट अलग अलग डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मल्टीपल डिवाइस में सेम व्हाट्सएप अकाउंट से सेम पर्सन को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये काफ़ी गजब का अपडेट है, व्हाट्सएप की तरफ से गजब का फीचर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आपको यह फीचर कैसा लगा। सो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, यह अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।